हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीड आउट करेंगे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन उठाया हुआ है। दुनिया भर की सरकारों ने परंपरागत रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीज़ों पर कौन सा टैक्स लगाया हो, तो ये सिन टैक्स लगाया हुआ, तो जिसे हम पाप भी बोलते हैं हिंदी में। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, 7 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए इटली के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है, सर्जियो मट्टरेला है, जो कि अभी जो अगला जो 7 साल का इनका कार्यकाल है, तो वहाँ पर इटली के दूसरे 7 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए इटली से जो राष्ट्रपति चुन करके आए हुए, तो ये सर्जियो मटरेला है। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है। चीन द्वारा बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कितने देशों को आमंत्रित किया गया हुआ है, तो ये 32 कंट्रीज के जो हेड है, ठीक है, तो उन्हें इनवाइट किया गया हुआ है चीन के द्वारा। बीजिंग का भी जो सर्दियों के का जो इसमें ओलंपिक जो चलेगा, तो बीजिंग में चल रहे, तो इनको लेकर के 32 कंट्रीज जो है इनवाइट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ठीक है। ओटावो, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है, तो अभी हाल ही में ये इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर है, तो उनने वहाँ के प्रशासन के खिलाफ या पीएम के खिलाफ, जो कनाडा के जो पीएम है, तो उनके खिलाफ जो वैक्सीन जो उनने कोविड के चलते उनने जो कोवैक्सीन है, तो उसकी को कंपलसरी कर दिया था, उसके खिलाफ आंदोलन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, दुनिया की सबसे बड़ी नहर कहाँ खोली गई है। सबसे बड़ी नहर जो है वो नीदरलैंड में है, इसका नाम लोक करके नाम है इस तरह से, ठीक है। और इज मुइडेन एक जगह है, तो वहाँ पर ये है, ये नहर है, ठीक है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो इसकी लंबाई जो है 500 मीटर है और चौड़ाई जो है 70 मीटर है, तो ये। इसके बाद आप नेक्स्ट, ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो आपका, 100 चार्जिंग पॉइंट की कैपेसिटी वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला। हाल ही में ना भारत में जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की कैपेसिटी वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया हुआ है, तो ये गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ठीक है, जो दिल्ली जयपुर का NH है, तो उस पर आपका 100 चार्जिंग पॉइंट, मतलब यानी कि ये 4 व्हीलर जो है चार्ज किए जाएंगे वहाँ पर, जो अभी इलेक्ट्रिक ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी गवर्नमेंट लेके आ रही है, ताकि जो पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत को 118 देशों के सूचकांक में क्रॉस कंट्री यात्रा के लिए कौन सा स्थान दिया गया, तो ये 118 देशों का जो इंडेक्स तैयार किया गया, तो उसमें जो है भारत को स्थान दिया गया 10वां, ठीक है। ये आपसी देशों के बीच में जो भारत का इस तरह से आना जाना जो है वो है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहा है, वो भारतीय एयरटेल ने किसके साथ दीर्घकालिक साझेदारी समझौता की घोषणा की है, तो ये रहेगा आपका गूगल के साथ, ठीक है। तो गूगल के साथ भारतीय एयरटेल वालों ने $1 बिलियन का अभी इन्वेस्टमेंट करने का साझेदारी की है, उनने ये कि 1 बिलियन US डॉलर का जो है
अभी साझेदारी एग्रीमेंट किया हुआ है इसने, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये इनका प्लान ये है कि जो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, तो उस पर्पज़ के लिए इतना इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चले तो ये इंडिया का ही न्यूज़ है जिसमें बेलोर झील के बारे में, बेलोर नाम की एक झील है जो तितलियों को हॉटस्पॉट बन गया हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो झील है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में ये झील जो है स्थित है। तो यहाँ पर मोस्टली आप तितलियाँ जो है वो आकर्षित होकर के आ रही है। तो ये लगभग 80 एकड़ के उसमें क्षेत्र में, 80 या 90 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी जगह होती है, तो यहाँ पर फैला हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, किस बैंक ने कहा है कि हमारा मानना है कि रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का समय आ गया हुआ है? तो रिवर्स रेपो सामान्यीकरण ये जैसे आपका एक होता है आपका जैसे आरबीआई जो रहेगा, जो हेड ऑफ बैंकिंग बैंक जो रहेगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। तो अभी एसबीआई ने आरबीआई को आरबीआई जो बैंकों को पैसा देता है ना, तो ऐसे में एसबीआई जो ने ये कहा है कि अभी रिवर्स, क्योंकि जो रेट होता है इसके ये अच्छा चल पड़ रहा हो, जैसे बैंक वाले लोगों को लोन देते हैं तो वहाँ से जो कमाई जो है इनकी ठीक हो रही है। तो ये आगे आरबीआई वालों के साथ जो बैंक का जो बैंकों से जो पैसा मिल आरबीआई से बैंकों को जो पैसा मिल रहा है, तो वो इसको रिवर्स करने के उसमें इस तरह से कुछ प्लान है इनका, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी आप अभी अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बाकी नए अभी अपडेट जो है इस तरह से करंट अफेयर हम लेकर के आएंगे जिसमें लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ को हम कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।